कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब रामनगरी को भी प्रतिबंधों में जकड़ दिया गया है। जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया। कर्फ्यू के पहले दिन शुक्रवार को रात 8 बजते ही दुकानदारों ने कारोबार समेट लिया। सड़कों पर निकले लोग भी घरों की ओर प्रस्थान कर गए। सड़कों पर हूटर बजाती पुलिस की गाड़ियां दिख रही थी। पुलिस लोगों से घरों में जाने की अपील कर रही थी। दरअसल जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से रात्रि 8 से सुबह 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया। इसका असर पहले दिन से ही देखने को मिला। प्रशासन के नाइट कर्फ्यू का पालन पूरी तरह से कराया। पुलिस सड़क पर उतरकर हर किसी को घर के अंदर रहने की नसीहत देती रही। शहर के हर चौराहे पर पुलिस इसका पालन कराने में जुटी रही। इससे रात को सड़कें पूरी तरह से सूनी हो गई थी। नाइट कर्फ्यू रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक लगाया गया है और विशेष रूप से चूँकि दिन में बाज़ारों में भीड़ भाड़ रहती है तो उसको देखते हुए दो पर्पज़ से लगाया गया है। एक तो लोग जागरूक हों ताकि दिन के समय भी पूरा प्रिकॉशन लें, मास्क वगैरह पहने, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। दूसरा जो है इस समय का उपयोग डिसइंफेक्शन वगैरह कार्यों के लिए किया जाएगा ताकि अगर जैसे कोरोना का जो संक्रमण का खतरा है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो एक तो नाइट कर्फ्यू को लेकर के डिसीजन लिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अयोध्या धाम में जो दर्शनार्थी बाहर के प्रदेशों से आते हैं उनके लिए एक लगाया गया है कि वो उनके पास कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए तभी वो अयोध्या जा पाएंगे। तो ये जो है आगामी विशेष करके क्योंकि रामनवमी में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आने की टेंडेंसी रहती है उसमें कोई संक्रमण ना फैले इसको दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स जो है लिए जा रहे हैं और जहाँ तक जागरूकता का सवाल है पिछले 15 दिनों में आप लोगों ने भी देखा है विभिन्न पीए सिस्टम के माध्यम से स्टैटिक पीए सिस्टम गाड़ियों में लगे पीए सिस्टम नगर निगम की गाड़ियों इनके माध्यम से बराबर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करें, मास्क लगाएँ और अपने आस पास साफ सफाई रखें। जो लोग इस नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई तेज कर दी गई है। भारी संख्या में लोगों का चालान किया जा रहा है। आगे भी इसको और इंटेंसिफाई किया जाएगा। कुछ और स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट से जारी आदेश में कहा गया कि शुक्रवार से अग्रिम आदेश तक प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जनपद अयोध्या की सीमा में रात्रिकालीन आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में संशोधन हो सकता है।